हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइमेड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम आईडीएस के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये क्या चीज होती है, ये कौन सा सिस्टम है, ये क्या डिटेक्ट करता है, ये इंट्रूजन क्या होता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये एक बेसिक वीडियो होगा अबाउट आईडीएस, जो कि आपको हर एक वो टर्म टर्मिनोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अवगत करा देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में, आपका कम से कम समय लेने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है तो समझना पड़ेगा भाई इंट्रूडर्स क्या होते हैं, ये इंट्रूडर क्या होता है, इंट्रूडर के टाइप्स क्या होते हैं, ये इंट्रूजन क्या होता है, और एक बार इंट्रूजन पता चल गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाया आईडीएस उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये इंट्रूडर क्या है ये समझा दे भाई, तो मुझे इंट्रूडर का मतलब क्या है। इंट्रूडर इज जस्ट अ पर्सन, समझ लो एक इंट्रूडर जो है इट जस्ट अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेन एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम और अ नेटवर्क। एक नेटवर्क या सिस्टम है बराबर, तो ये इंट्रूडर क्या करता है, दिस इंट्रूडर इज ट्राइंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर दैट नेटवर्क विद क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर ये इंट्रूडर को एक्सेस मिल गया उस नेटवर्क का, ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड यूजर है, ही इज अनऑथराइज्ड यूजर फॉर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, लेकिन अगर इसे एक्सेस मिल गया उस पर्टिकुलर नेटवर्क का, तो वो क्या क्या कर सकता है विद हिज क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि वो जो डेटा उस नेटवर्क में घूम रहा है, उस नेटवर्क में वो डेटा है, उस सिस्टम में जो डेटा है, उस डेटा को वो पूरा करप्ट कर सकता है अपने मतलब के लिए। ये जो इंट्रूडर है उस डेटा को पूरी तरीके से स्टील कर सकता है, वो जो नेटवर्क का एनवायरमेंट है उसे पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर सकता है, उसे करप्ट कर सकता है। ये सारी चीजें करने की क्षमता इंट्रूडर में होती है बराबर, इसलिए मैंने बोला विद अ क्रिमिनल इंटेंशन। अभी ये जो इंट्रूडर है इसके दो मेजर टाइप्स है, मेजर टाइप्स, एक होता है आउटसाइड इंट्रूडर, दूसरा होता है इनसाइड इंट्रूडर। आउटसाइड इंट्रूडर को हम लोग भाई मास्क्यूरेंडर भी बोलते हैं, इनसाइड इंट्रूडर को हम लोग मिस फेसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये आउटसाइड और इनसाइड का क्या फंडा है, आउटसाइड इंट्रूडर मतलब क्या, मतलब ये जो आउटसाइड इंट्रूडर है, ये जो पर्सन है, ही इज एक्चुअली नॉट हैविंग एनी ऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, ही इज नॉट हैविंग एनी ऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। ये बाहर का बंदा है, ये सिस्टम का बंदा नहीं, ये बाहर का बंदा है। तो ये बंदा क्या करेगा उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा। कैसे कैसे वो लगा सकता है, बहुत सारी टेक्निक्स लगा सकता है। वो क्या क्या कर सकता है कि अगर मान लो एक नेटवर्क या सिस्टम है उसका एक्सेस इस आउटसाइड इंट्रूडर को चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जो एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए उस नेटवर्क को, उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो क्रेडेंशियल्स चाहिए, उस क्रेडेंशियल्स को वो ब्रेक कर सकता है या स्टील कर सकता है। और एक बार उसने चुरा लिया उन क्रेडेंशियल्स को, तो उन क्रेडेंशियल्स को यूज करके वो उस सिस्टम में घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है उस सिस्टम में, नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सकता है, और फिर वहां पे जाके वो क्या क्या कर सकता है वो तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये होता है आपका आउटसाइड इंट्रूडर, और दूसरा होता है इनसाइड इंट्रूडर। इनसाइड इंट्रूडर मतलब क्या, सिस्टम के अंदर का बंदा, नेटवर्क के अंदर का बंदा, मतलब ही इज हैविंग सम ऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लेकिन ही इज अ ऑथराइज्ड बंदा, इसको ऑथराइज्ड एक्सेस है कुछ रिसोर्सेस के लिए, ओके, कुछ प्रिविलेजेस है इसको प्रोवाइडेड, बिकॉज ये रिसोर्सेस मतलब ये सिस्टम का या नेटवर्क का बंदा है। लेकिन ये क्या करता है, जो भी लेजिटिमेट प्रिविलेजेस या फिर एक्सेस टू द रिसोर्सेस इस इनसाइड इंट्रूडर को प्रोवाइडेड होते हैं, ये क्या करता है, उनका मिसयूज करना शुरू कर देता है। ही डोंट यूजेस फॉर द पर्पज ऑफ सिस्टम और फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग, जिसके लिए भी उसको एक्सेस दी गई थी, वो पर्पज फुलफिल करने के लिए उन रिसोर्सेज का यूज नहीं करता, वो उन रिसोर्सेज को, उन प्रिविलेज को मिसयूज करने की कोशिश करता है, और फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो दूसरे कंपनी को देना, दूसरे नेटवर्क को देना, यहां से वहां करना, ये सारी चीजें आपका इनसाइड इंट्रूडर करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीके का दगाबाज है, ये दगाबाज है, और ये ज्यादा हार्मफुल होता है। इनसाइड इंट्रूडर आर मोर हार्मफुल देन द आउटसाइड इंट्रूडर, बिकॉज इनको पहचानना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है बॉस, बिकॉज आपके बीच में ही कोई एक बंदा है जो ये सारा कारस्तान कर रहा है, पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज वेरी हार्मफुल एंड वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ इनसाइड इंट्रूडर, बराबर, एंड दीज आर रियली वेरी हार्मफुल एज कंपेयर्ड विद आउटसाइड इंट्रूडर्स। ठीक है, तो अभी आते हैं, इंट्रूडर तो समझ में आ गया पूरा भाई। ठीक है, अब आते हैं इंट्रूजन के ऊपर। इंट्रूजन क्या है, इंट्रूजन वही है कि एन अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय अ इंट्रूडर, या फिर मिस यूजिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या फिर योर नेटवर्क, दैट इज व्हाट द इंट्रूजन इज, जो कि इंट्रूजन कौन करता है, अ पर्टिकुलर इंट्रूडर, बराबर, दैट इज नथिंग बट इंट्रूजन। अभी ये जो इंट्रूजन होता है इसे डिटेक्ट करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है, क्या वो कौन करेगा, कौन है वो मसीहा जो इसे आइडेंटिफाई करेगा, कौन है वो मसीहा जो कि भाई इस इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगा, वो है आईडीएस।
वो है आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, एक तरीके से कंटिन्यूअसली आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है, कंटिन्यूअसली आपके नेटवर्क को मॉनिटर करता है। उस नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक कहते हैं आप उसे, या फिर डेटा पैकेट कह लो, तो जितने भी डेटा पैकेट्स आपके नेटवर्क में घूम रहे हैं ना, उनको मॉनिटर करता है वो, उनमें चेक करता है कि कहीं कोई मेलिशियस कंटेंट तो नहीं है, कि जो कि एक मेलिशियस अटैक आपके नेटवर्क के ऊपर कर दे और आपके नेटवर्क के बिहेवियर को इम्बैलेंस कर दे। ऐसा तो कुछ नहीं, इसे सबको वो मॉनिटर करते जाता है, वो देखता है कहीं आपके जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं, प्रिविलेजेस हैं, कहीं वो मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं, वो भी चेक करने का काम ये करता है। और एक तरीके से ये जो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये आपके सिस्टम के बैकएंड में काम करता रहता है, बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है, रन करता रहता है, और जैसे ही वो एक किसी एक सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, तो वो सीधा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को एक अलर्ट सिग्नल, एक अलर्ट मैसेज भेजता है और उसको बताता है कि भैया ये सस्पिशियस एक्टिविटी मेरे सामने आई है, आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लो बिफोर दिस एक्टिविटी मेक्स अ ग्रेट डैमेज ऑन द नेटवर्क और अ सिस्टम। बराबर, तो वो डैमेज ना हो सके इससे पहले ये बंदा जो, मतलब ये जो आईडीएस है, ये एक अलर्ट सिग्नल, अलर्ट मैसेज एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है कि भाई जल्दी कुछ करो, ये मैंने डिटेक्ट किया है। और ये डिटेक्ट मोस्टली कैसे करता है, इसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बराबर, कुछ मैकेनिजम्स होते हैं, कुछ मेथोडोलॉजीज होते हैं, और अगर उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं बैठती, तो उसे आप सस्पिशियस एक्टिविटी करके रिपोर्ट करते हो एडमिनिस्ट्रेटर को, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसमें फिर कुछ ना कुछ दखलंदाजी करता है, कुछ एक्शंस लेता है, ताकि जो डैमेज हो सकता था उस सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से या मेलिशियस कंटेंट की वजह से कम हो आपके नेटवर्क को या आपके सिस्टम को। यह खबरदारी यहां पे आपको आईडीएस की वजह से मिलती है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों, काफी आसान शब्दों में, आसान तरीके से आईडीएस के बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।